अक्सर होता है ऐसा कि मैं बॉम्बे में था, अभी कोई एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर 6 महीने पहले मिलने आए थे, तो उन्हें लग रहा था कि, बोला मुझे कि मुझे तो बार बार लग रहा था कि आप कभी भी पिस्टल निकाल सकते हो। तो एक छवि जो अमूमन स्क्रीन पे लोग देखते हैं एक्ट्रेस को ना, तो वो वैसा ही मानने लगते हैं कि ऐसा ही होगा, जो नहीं है। मुझे लगता है हमारे ऑडियंस को अवेयर करना चाहिए कि यार हम जो पर्दे पे करते हैं वो एक अभिनय है, वो हमारी क्राफ्ट है, वो हम वैसे नहीं हैं। बट भारत में अमूमन लोग समझते हैं कि लोग ऐसे ही होंगे। मेरे साथ बहुत हुआ है, लोग अक्सर डर जाते हैं कि यार ये बंदूक निकाल देगा, ये बहुत गुस्सैल आदमी होगा। मैं हूँ नहीं वैसा, मैं बहुत सिंपल हूँ। उनसे 2 मिनट बातें करता हूँ और उन्हें समझ में आ जाता है कि अरे तो बहुत ही सिंपल है। फिर पहले वो डर रहे थे और जब उनको लगता है मैं बहुत सिंपल हूँ तो मुझे भाव भी देना छोड़ देते हैं कि अरे यार तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। पिंक में लड़कियों की लड़ाई एक आदमी लड़ता है, अमिताभ बच्चन जी आके लड़ते हैं, यहाँ औरत अपनी लड़ाई खुद लड़ती है। कोई हमने किसी पुरुष का मदद नहीं लिया है, मैं भी उसका एक सहयोगी हूँ फिल्म में, बट वो अपनी लड़ाई खुद लड़ती है। ये इस किस्म के किरदार जो समाज में इकोनॉमिकली सोशली सबसे नीचे होते हैं नाचने गाने वाले लोग, उनकी ज़िंदगी पर्दे पर रंगीन दिखती है परफॉर्मेंस के दरमियान। उस पर्दे के पीछे जो डार्क जिंदगी है, स्याह जिंदगी है, वो इस फिल्म में दिखती है। ये फिल्म इंटरटेनिंग भी है, इंगेजिंग भी है, संगीत वाली है, 8-9 गाने हैं, मसाला भी है, लेकिन एक सेंसिबिलिटी के साथ, एक संवेदना के साथ। मैं तो माधुरी दीक्षित जी के साथ करना चाहता था, नहीं है। मुझे सिनेमा से ना बहुत प्रभाव मेरा नहीं है, मैंने मुश्किल से 40 फिल्में देखी हैं। मेरा रेफरेंस सिनेमा नहीं है, मेरा रेफरेंस लिटरेचर है और मेरी ज़िंदगी है। तो मुझे वहीदा रहमान बहुत अच्छी लगती है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो तीसरी कसम की उनकी हीराबाई की अभी भी इमेज अटकी हुई है। मैं जिस भी हीरोइन से स्क्रीन पर रोमांस करना चाहूँगा ना, मैं चाहूँगा वो साड़ी में हो। मुझे मेरी हीरोइन मुझे साड़ी में ही दिखती है। तो और आजकल की हीरोइनों से मैं नहीं रिलेट कर पाता हूँ। मुझे एक जो पहले की हीरोइनों में एक फेमिनाइन क्वालिटी होती थी ना, वो मिसिंग है आजकल। मुझे नहीं कोई लगती है, मुझे सब पता नहीं क्यों ऐसे लगती हैं जो जैसे कैटवॉक शो की, फैशन शो की मॉडल्स हैं। भारतीय पना ख़त्म हो गया हीरोइनों में, भारतीय पना आप समझ रही हो ना। तो मैं वैसे हीरोइन ढूंढ रहा हूँ जिसमें भारतीय पना हो।